आइए दादी। अरे तू मिताली बेटा तू बाहर ही रह। दादी मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, मैं ये प्रूफ करके रहूंगी कि चोरी प्रज्ञा ने की। सबूत देखते ही आपको यकीन हो जाएगा कि प्रज्ञा ने अभी से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। परंदे ये पुराना टेप मत बार बार बजा, सबूत है तो बता जल्दी से। मैं दिखाती हूँ। नहीं तनु, आई एम सॉरी मैम। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अब बोलिए दादी क्या कहेंगे आप? अब तो ये सबूत भी दे दिया कि प्रज्ञा चोर है, क्या अभी भी आपको प्रज्ञा इनोसेंट लगती है? दादी ये आपको शुरुआत से धोखा देती आई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बस अब तू कुछ नहीं बोलेगी। अब तुझे इसके बारे में कुछ बोलना है? मुझे कुछ नहीं पता दादी कि वो बैग मेरे कमरे में कैसे आया। दादी जरूर जरूर इसने मेरे कमरे में वो बैग रख दिया और अब मुझ पर नाम लगा रही है। ठीक है, एक और प्रूफ देती हूं आपको। वेट, हेलो, हाँ बोले क्या जो? थैंक यू। कौन आ रहा है? शादी के तुरंत बाद ही चोरी शुरू कर दी होगी। दीमक की तरह चिपक गई है इस घर से, खोखला करके निकलेगी इस घर को। इतनी सारी प्रॉपर्टी और पता नहीं कितनी होंगी, फैमिली के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी होगी। आई एम श्योर इसकी माँ भी इसके साथ इन्वॉल्व है। दादी दादी आप तो कुछ बोलिए। दादी हम कह लेंगे ये बहुत चालाक और खतरनाक औरत है, इस पे भरोसा मत कीजिए। देखो मैंने सारे सबूत दे दिया, अब डिसाइड आपको करना है। नहीं नहीं, ये चोर नहीं हो सकती, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है, वो मुझे पता लगाना ही होगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे ये सच अपने आप ही बता दे। दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये ठीक है, सब कुछ देखने और सुनने के बाद फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना, पर इस फैसले में मुझे किसी की सलाह चाहिए। ये दादी किसे फोन लगा रही? दादी प्लीज माँ को फोन करके कहिए कि वो यहाँ ना आए। मैं अपनी चोरी मानती हूँ।
मैंने ही वो चोरी की, मैंने ही चुराया वो 1 करोड़ रुपए। और सिर्फ वही नहीं, जिस दिन से यहाँ आई हूँ हर रोज चोरी करती आई हूँ। पूरी चोरी के पैसों से मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी जमा की। ये तनु जो बोल रही ना मेरे बारे में, दादी वही है मेरा सच। लेकिन मेरे सच के बारे में माँ को कुछ नहीं पता। माँ इस सब में शामिल नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज प्लीज उनसे कुछ मत कहिए। आप फोन कीजिए माँ से, कहिए ना प्लीज प्लीज कहिए कि वो यहाँ ना आए, उन्हें पता चला तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आगे, प्लीज प्लीज दादी आप क्या हाथ जोड़ती हूँ माँ को कहिए कि आ रहा है। प्लीज प्लीज मैंने किया वो चोरी, आप प्लीज माँ को रोक लीजिए प्लीज। दादी आप मेरा यकीन कीजिए, प्रज्ञा दी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो झूठ बोल रही है, वो कभी चोरी कर ही नहीं सकती। मैं झूठ नहीं बोल रही रच्चो, मैं कह रही हूँ ना मैंने किया वो चोरी। आप सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे, जब मैं खुद मान रही हूँ कि वो 1 करोड़ रुपए मैंने चुराए हैं। प्लीज आकाश मैं कह रही हूँ ना मैंने चोरी की है। आप लोग मुझ पर गुस्सा कीजिए, मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। आप लोगों को जो सजा देनी है दीजिए प्लीज। मैं कह रही हूँ ना मैंने चोरी की। दादी प्लीज प्लीज आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन प्लीज आप माँ से कहिए ना कि वो यहाँ आए। मैं अपनी चोरी मानती हूँ दादी प्लीज। अपनी चोरी मान के हम पर कोई एहसान नहीं किया। जहाँ तक मैं इस फैमिली को जानती हूँ, इस फैमिली ने हमेशा सच का साथ दिया है। जिसने गलती की उसको सजा दी है, यहाँ तक कि इस घर की बेटी आलिया तक को भी। तो फिर प्रज्ञा को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? मैं तो कहती हूँ प्रज्ञा को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक चोर को मिलती है। ये हो क्या रहा है? पर यहाँ कैसे आ गया? I think मुझे सपोर्ट करने आया है। अभी अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो तुम्हारी वाइफ ने क्या किया है, उसने तुम्हारा और तुम्हारी दादी का भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा है। उसने तुम्हारे अपने घर में चोरी की, अभी वो भी पूरे 1 करोड़ की। अभी मैंने इसकी चोरी पकड़ी है, सबको सबूत दिखाए, सबको कहा कि इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। थैंक गॉड अभी तुम आ गए, अब तुम कोई सही फैसला लो। मैं तो कहती हूँ इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो। तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि मुझे किसे इस घर में रखना चाहिए और किसे नहीं? मेरा मतलब है कि हमारा फैमिली मैटर, किसके साथ क्या करना चाहिए हम डिसाइड कर लेंगे, तुम्हें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता मैंने वो सब क्यों किया, लेकिन इतना जानता हूँ नीचे जो कुछ भी हो रहा था गलत हो रहा था और मुझे देखा नहीं गया। राइट, और मेरे साथ जो गलत हो रहा वो तुमसे देखा जाता है। मुझे इस घर में तुम्हारी पत्नी बनके बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। गलती किसकी है? तुम्हीं ने मुझे फोर्स किया ना कि मैं प्रज्ञा से शादी करूं। आज अगर तुम्हारी जगह पर वो है तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू, सो डोंट ब्लेम मी। ओके फाइन, हो गई मुझसे गलती, सारी गलतियां मेरी, मैं प्रेग्नेंट हूं उसमें भी मेरी ही गलती है। लेकिन क्या उसकी सजा मुझे इस तरीके से दोगे? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लास्ट चांस है हमारे पास। अगर मुझे इस घर में लाने के लिए तुम कुछ नहीं करे तो मत करो, कम से कम मुझे तो मत रोको। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा। ठीक है तो ये क्या है, मुझे इस घर में लाने के लिए प्लानिंग चल रही है? ये है मेरे और मेरे बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग। अभी ये लास्ट चांस है हमारे पास, तुम नहीं कर रहे मत करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। ये हमारा बच्चा है, कुछ ही महीनों में इस दुनिया में आ जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारे नाम के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अभी क्या तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे को भी यही करना पड़े? तनु, आई नो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें साथ मिलकर इसका फ्यूचर बनाना है। लेकिन किसी के साथ अच्छा करने के लिए मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर सकता ना। आई मीन जो हो रहा है उसका तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है? अभी मुझे बताओ क्या है सही रास्ता। तुम जिस रास्ते पे बोलोगे मैं उस रास्ते पे चलूंगी, जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, लेकिन वो रास्ता इस घर में आना चाहिए। अभी है कोई रास्ता तुम्हारे पास? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।